नमस्कार जी हाँ दोस्तों, अभी भी दिल्ली से आ रही है बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं मजदूर लोगों की। लॉकडाउन के बीच काम ना मिलने से काफ़ी परेशान, दिन ब दिन उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। रिक्शा चालकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। एक रिक्शा चालक ने बताया कि खाने को सिर्फ खिचड़ी मिलती है, उससे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आदमी बीमारी से क्या मरेगा, वो तो भूख से ही मर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना से लड़ने के लिए एक रिक्शा चालकों को बहुत बड़ी मुश्किली भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी में इस रिक्शा वालों को काफ़ी परेशानी उठा जा रही। इसके साथ इनके घर वालों के बच्चों को भी काफ़ी परेशानी उठानी जा रही। और ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लॉकडाउन के बीच इस लोगों को आप कैसे हेल्प, कैसे मदद कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे लेटेस्ट खबर पाने के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।